नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज आखिर फाइनली वो दिन आ ही गया जब एक बार फिर से इंडिया का एक ऐतिहासिक मुकाबला आप सभी को आज देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें, आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, क्या इस मैच में केएल राहुल की वापसी हो रही है? क्या रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे? क्या ईशान किशन को मौका मिलेगा? कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो प्लेइंग 11 में उतरने वाले हैं? सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें, टीम इंडिया ने ऑलरेडी इंग्लैंड को T20 सीरीज में हरा दिया है, और जो टेस्ट सीरीज हुई थी ना, आपको पता होगा उसका एक मैच अभी हाल ही में खेला गया था, तो उस टेस्ट सीरीज में भी इंडिया ने झंडे गाड़े थे, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज इक्वल पे रही थी, यानी बराबरी पर। कोई भी टीम जीती नहीं थी, कोई भी टीम हारी नहीं थी। ऐसे में टीम इंडिया को उसका भी फायदा मिला है, क्योंकि टीम इंडिया ने इंग्लैंड में जाकर के ही और इस तरह से खेल दिखाया है, जिसकी तारीफ तो बनती ही है। लेकिन सबसे बड़ी और चिंता का विषय जो है वो आज भी यही है कि विराट कोहली की हालिया फॉर्म उतनी शानदार नहीं है, जिस वजह से टीम इंडिया को थोड़ा डर जरूर लगता है। लेकिन विराट कोहली अगर फॉर्म में आते हैं तो विश्वास करिए, टीम इंडिया अकेले ही किसी भी टीम से लड़ने के लिए काफ़ी है। तो चलिए बात करते हैं कि आज का मुकाबला कब, कैसे, कहां देखने को मिलने वाला है, क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है टीम इंडिया की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, फिर बात करेंगे कि आज के मुकाबले कहां होने वाले हैं, कब, कैसे आप देख सकते हैं। तो पहले प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को रोहित शर्मा नज़र आएंगे, जो कि कप्तान भी होंगे और ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन रोहित शर्मा के साथ आप सभी को आज शिखर धवन देखने को मिलने वाले हैं, ना ही केएल राहुल, ना ही ईशान किशन। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं शिखर धवन को 2023 में भी वर्ल्ड कप होने वाला है, और उस पर भी नज़रें रखी जा रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी एक बार फिर से कारगर साबित हो, इसलिए शिखर धवन को मौका दिया जाएगा वनडे में। और इसके अलावा आपको बता दें, केएल राहुल चोटिल हैं, इस वजह से केएल राहुल को इस सीरीज से बाहर रखा गया है। वहीं तीसरे नंबर पर आपको विराट कोहली नज़र आने वाले हैं। विराट कोहली के लिए तो हम खुद ही भगवान से दुआ करते हैं कि विराट कोहली आज के मैच में कुछ चमत्कार करें, कि इनका डूबता हुआ करियर बच जाए। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी फीलिंग्स है विराट कोहली के लिए तो कमेंट करके बताना। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव आपको नजर आने वाले हैं, हार्दिक पांड्या आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में हैं, ऋषभ पंत जो लगातार रन बना रहे हैं और उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, रविंद्र जडेजा को देखने को मिलेगा एक बार फिर से, और यहां पर शार्दुल ठाकुर या फिर प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को मौका मिल सकता है। आप कमेंट करके बताना किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। मोहम्मद शमी आपको नजर आएंगे, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल आप सभी को प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये मुकाबले कब, कहां, कैसे खेले जाएंगे। तो जी हां, आपको बता दें, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ये जो मुकाबला खेला जाना है दोस्तों, ये पहला मुकाबला आज शाम 5:30 बजे से आप सभी को देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें, शाम 5:30 बजे से मुकाबला चालू हो जाएगा, और टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पूरी तरह से तैयारी चल रही है। और इसके अलावा बता दें कि ये मुकाबला जो है वो दोस्तों तमाम टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाया जाएगा, सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा। ऐसे में आप जा करके वहाँ से लाइव 5:30 बजे से देख सकते हैं। इस वनडे सीरीज के तीन मुकाबले हैं, जिसका पहला मुकाबला आज खेला जा रहा है, दूसरा मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा, और तीसरा मुकाबला 17 जुलाई को खेला जाएगा। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।